उलमा और मशायख भी आते हैं, उन्हें भी एक जगह जमा होकर ये महफिल करनी चाहिए जिससे गरीब नवाज की तालीम को बंदर आम पर लाया जाए और ये कहा जाए कि उसमें ना सिर्फ दुनियादार बल्कि मशायख उलमा भी हाजिर होते हैं और वो भी अपने रोजाना अकीदत पेश करें। उसके लिए शुरुआत की है सर, इंशाअल्लाह ताला आइंदा हमारी कोशिश रहेगी कि इसको बड़े पैमाने पर करें। इस साल भी कोशिश थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी जो गाइडलाइन आई हुई थी वो क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि इसने मुख्तसर उलमा और मशाइख का शुक्रिया अदा कर दें कि वो एक चंद लम्हे एक आध दिन के उसके ऊपर में तशरीफ लाए। बाहर से बहुत से लोगों के अभी फ़ोन आ रहा है कि हमें एकदम महरूम रखा। इंशाअल्लाह ताला आइंदे गरीब नवाज की जलसे को जिसने गरीब नवाज को उसी पैमाने पर किया जाएगा जहाँ गरीब नवाज का नाम है। हुजूर एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, जैसे कि अपने प्रोग्राम का नाम रखा था गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस बनवान शांति सम्मेलन, आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो शांति के अमन सुकून की, और ये पैगाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी दौरे हयात में देते रहे, आज भी दे रहे, जिसका जिंदा मिसाल हम अजमेर शरीफ के आस्थाने पर जा करके भी देखते हैं, प्लीज़ इसके बारे में बताएं। हर इंसान अल्लाह तबारक तआला जो इंसान बनाया है जी, इसका इंसान बनाने का मकसद यही है कि वो अमन से रहे, इंसानियत से रहे, ये गरीब नवाज का पैगाम है। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह की हासिल करनी है तो इंसान इंसान की खिदमत करे, मालिक की हकीकत से मिलने का तरीका ये कि इंसान की खिदमत करे, उसी से माह यही पैगाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने दिया और यही गरीब नवाज रहमतुल्लाह के खुलवाओं ने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह की दीन है, लिहाजा हम चाहते ये हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अमन और अमान रहे और आपसी भाईचारे के साथ रहे, तो गरीब नवाज का पैगाम आम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी बात कर रहे थे सैयद वाहिद हुसैन चिश्ती साहब से जो अंजुमन मोइनिया फखरिया के जनरल सेक्रेटरी है, काफ़ी मुतहरिक फाल शख्सियत है और मुल्क हालात मिली समाजी हालात पर गहरी नज़र रखते। हमारे साथ जुड़ने के लिए, सरप्रोस न्यूज़ लाइव के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद वाहिद हुसैन चिश्ती साहब।